हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित, मैं टेक इंस्टीट्यूट से। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम आज सीखने वाले हैं हार्डवेयर प्रैक्टिकल के बारे में, कुछ सिलेबस के बारे में बताया था तुमको हमने। तो जैसा कि हम मदरबोर्ड में कोई काम करना है, आप ट्रेसिंग के बारे में तो सब कुछ सीख रहे हो ना, और जो ट्रेसिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप सीख रहे हो, तो क्यों ना आप हार्डवेयर में प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो भी पता होना चाहिए ना। तो जैसे कि हार्डवेयर में हमने सबसे पहले सिलेबस एक बताया था, जिसमें से हमें आयरन चलाना सीखना है सबसे पहले। तो आयरन चलाना है तो आयरन कहाँ चलाना है और कैसे चलाना है, हैं, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आयरन चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंपर से शुरू करेंगे कि जंपरिंग कैसे करना है। तो जंपर भी हमारे मोबाइल फ़ोन में कई प्रकार से लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लो नंबर एक में, जैसे कि आपको लगाना है जंपर, तो जंपर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक ट्रैक के जंपर, नंबर दो कंपोनेंट के जंपर, नंबर तीन आईसी के जंपर, नंबर चार लाइट के जंपर, इतने सारे जंपर को हम लगाएंगे तो हम अच्छे से आयरन को चला सकते हैं। तो फिर आज हम तुम लोगों को बताएंगे एक जंपर वायर आता है उसके बारे में, आपको कैसे लगाना है, तो कैसे लगाना है, तो मैं आज आप लोगों को कुछ करके दिखाता हूँ। तो उनमें कोई लाइन ब्रेक हो जाए, जैसे कि कोई लाइन ब्रेक हो जाए तो लाइन को जोड़ने का काम करता है ये छोटा सा जंपर वायर, ये वाला। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे और आयरन को चलाना सीखेंगे, ये वाली आयरन है जैसे, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो ये आयरन होना चाहिए आपके पास, जंपर वायर होना चाहिए, और एक ये पीसीबी बोर्ड है, ये पीसीबी बोर्ड, और ये एक पेस्ट होना चाहिए आपके पास, और रेती होना चाहिए, सोल्डर वायर होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ तो आपके पास बेसिकली होना चाहिए, तभी आप जाके कोई काम कर पाएंगे। आप चाहे जंपर का हो चाहे मोबाइल फ़ोन का कोई भी काम हो, सबसे पहले आपका शुरुआत होता है आयरन चलाने से। तो आयरन चलाना तो ठीक है, मगर आयरन से लिखना क्या, करना क्या है हमको, ये देखना है ना। तो सबसे पहले तो हम जंपर से शुरुआत करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो कीपैड में जंपर लगाना है, तो हम इसको खोल लेते हैं पहले। ये पेस्ट है और इसमें हम सबसे पहले तो आयरन में लेंगे शोल्डर ऐसे, मगर इसमें देखो तो गौर से देखो तो इसमें एक्स्ट्रा रंगा लग गया है, इसको हम क्या करेंगे एक बार इसे झाड़ देंगे, तो जो एक्स्ट्रा रंगा है ना ये पूरा नीचे गिर जाएगा। अभी जो इसमें लगा है ये हमारे काम की चीज़ है। फिर क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और इसके कीपैड में लगाएंगे इसे, ठीक है। अभी हम आयरन को चलाना सीख रहे हैं ना, तो हम इसमें पेस्ट लगा के अच्छे से इसके ऊपर हम ऐसे इसे सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जंपर लेंगे, जंपर को हम सबसे पहले तो पेस्ट में डुबाएंगे। पेस्ट में डुबा के जंपर को पहले हमें छीलना है, इसे देखो ये छिल गया है ना, ये शोल्डर से दबा के इसको छील देना है ऐसे करके, फिर इसमें पेस्ट लगा देना है और फिर इसको अच्छे से सोल्डिंग करना है। इसको ऐसे दबा के रखेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे और ये हमारा जंपर अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गई बटन। ये मोबाइल फ़ोन में
कोई भी एक दूसरे से, जैसे कोई लाइन ब्रेक हो जाए, कीपैड काम नहीं करे, तो ये लाइन को ब्रेक को जोड़ना पड़ता है, हैं, तो ये इस प्रकार से जोड़ेंगे। दूसरा, अब देखते हैं कि कंपोनेंट में कैसे जम्पर लगाया जाता है। तो कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में पीछे की तरफ लगे रहते हैं, तो जैसे ये देखो कंपोनेंट लगे हैं, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, कॉइल्स, ये सब लगे रहते हैं, तो इसमें हमें कैसे जम्पर करना है इसके बारे में हम तुमको बताते हैं। तो इसके बारे में बताने के लिए तुमको सबसे पहले तो जम्पर लेना है और फिर चिमटी लो। चिमटी ले करके ऐसे इसको यहाँ पर रख के इसे कट कर दो, जम्पर को छोटा सा टुकड़ा इसे कट कर लेना है और इसको ऐसे हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद इसको बीचों बीच पकड़ लेना है ऐसे, और इसको धीरे से ऐसे वी शेप में घुमा देना है। वी शेप में घुमा के अब इसको फिर से छीलना पड़ेगा। पेस्ट में डुबाओ और फिर इसको रख के इसको छीलना पड़ेगा। ऐसे दोनों साइड से इसको छील लो अच्छे से। अब दोस्तों जिस कंपोनेंट में हमें जम्पर लगाना है उसमें तो हम पहले थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। पहले थोड़ा सोल्डिंग कर देते हैं उसमें, और फिर इसके बाद उसके इस सिरा में ऐसे रखते हैं और देखो जम्पर हमारा लग गया। दूसरा इस सिरे में ऐसे रख के, और ये आपका जम्पर ऐसे मजबूत जम्पर लगा देना। तो ये तो आयरन चलाना आपको अच्छे से आएगा ना, तभी आप काम कर सकते हो। तो पहले तो आपको ये छोटे छोटे जम्पर लगाना है, ये कंपोनेंट के जम्पर। अब ये देखो लाइन में जम्पर कैसे लगाना है। इसे मान लो ये आपका डिस्प्ले है, यहाँ पर आपकी मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले लगती है, तो सबसे पहले जैसे इसमें लगाना है, तो इसमें लगाने के लिए आपको फिर वही काम करना है, इसको पेस्ट में डुबाओ और इसको इसे छील लो। और छीलने के बाद फिर पेस्ट में डुबा के फिर इसको ट्रैक में रख दो, और ट्रैक में रख के और ऐसे इसको जोड़ दो, और ये लग गया आपका जम्पर। अब इसको कहीं भी लगा दो आप जाके, कितने भी लगाने हो, एक लगाने हो, दो लगाने हो, फटाफट लगाना हो, आप इसको आराम से लगा सकते हो। ठीक है, अब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आईसी में कैसे जम्पर लगाएं। लगाना हो, कोई भी टांका लगाना हो, सबसे पहले तो आपको पेस्ट लगाना पड़ेगा उसमें। पेस्ट लगा के उस जगह को साफ करना पड़ेगा जहाँ पर आपको जम्पर लगाना है। तो उस जगह को अच्छे से साफ कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वही अपना जम्पर लो, और इसको छील दो, छीलने के बाद पेस्ट में डुबाओ। पेस्ट में डुबा के जैसे मान लो हमें यहाँ पर लगाना है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर पहले तो आयरन इसको टाका इसमें रख दो अपने जम्पर को, और ऊपर से जाके ऐसे आयरन को हिट कर दो। और ये देखो अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हो जाके, हमें कहीं नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पर जोड़ दे, यहीं पर कट कर दो, ऐसे आप कहीं कितना भी माइक्रो से माइक्रो जम्पर भी आप लगा सकते हो। और सर मैं बताऊँ ना, अगर काम करना है ना, तो ये आपको साफ़ सफाई से काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और कहीं भी लगाना हो, एक आईसी के बगल से दूसरे आईसी के बगल में, वहाँ भी लगा सकते हो आप आसानी से।
मगर उसके लिए थोड़ा हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए। और इस तरह से देखते जाओ तो आप लोगों ने देखा कि ये जंपरिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोग पहली बात तो आपको जैसे ये सब काम करना है ना मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर का, तो ये सब काम छोटा छोटा काम करना अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए हम कुछ टूल हैं आप लोगों को बता रहे हैं जो काम करने के लिए अभी आपके पास बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए। इसे मार्केट से कहीं से भी दुकान से परचेज कर लो, एक दो मदरबोर्ड जैसे कि ये, जैसे कि ये वाले मदरबोर्ड हैं, ये वाला है, ऐसे कुछ एक दो मदरबोर्ड इकट्ठा कर लो अपने पास। दूसरी बात, फिर आपके पास कुछ टूल होना चाहिए। बोर्ड की बात तो ठीक है, बोर्ड हो गया, अब टूल होना चाहिए। तो टूल में सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए ऐसी एक आयरन, अब चाहे वो सिरोन की हो, चाहे सोल्ड्रॉन की हो, चाहे टोनी की हो, कोई भी कंपनी की हो, कोई मैटर नहीं करती है, मगर आयरन अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, फिर आपके पास होना चाहिए एक पेस्ट जिससे हम टांका लगाते हैं, हैं, ये वाला पेस्ट होना चाहिए। और सोल्डरिंग वायर होना चाहिए, ये सोल्डरिंग वायर, ये इस तरह का सोल्डर वायर होना चाहिए। और ये जंपर वायर जो मार्केट से कहीं से 10-20 रुपए का मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और ये आयरन, ये लमसम 150 रुपए की आ जाती है, इससे महंगी नहीं आएगी। और आप अच्छे से पता करो, एक बार अच्छे से ले लो, ये सब काम करना है ना, एक दो प्रकार के स्क्रू ड्राइवर लेना, उसे बोल दो कि स्टार वाला देना, स्टार वाला जो हमारे फ़ोन में अभी इजीली हर फ़ोन को खुल जाता है, लमसम के अभी के सब फ़ोन को खोल देता है ये स्टार वाला है। और ऐसे कुछ टूल होते हैं, रेती है जैसे, ये रेती लेना पड़ेगा, चिमटी लेना पड़ेगा। तो ऐसे बेसिक ये जितने हैं ना, ये सब टूल ले लो। एक ऐसी मैट ले लो, और ये मल्टीमीटर जो आपको मैं आगे बताऊंगा किसको चेक कैसे करना है, फिर कहाँ से कैसे काम करना है इसमें, हैं। तो इतने सारी चीज़ें तुम्हारे पास तो बेसिकली होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से काम करना शुरू करोगे। तो अगर आप ये सब काम करते रहोगे ना, मैं आपको पूरे वीडियो देने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन का, लमसम हार्डवेयर में आपको 60-70% तक टॉपिक क्लियर करा दूँगा। जो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हो ना, 40-50 हज़ार रुपये देकर सीखते हो, जो आईसी को हटाना लगाना, ये सब छोटे छोटे काम करना, मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो में जैसा आपको देखा कि सर ने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में हार्डवेयर में क्या क्या प्रैक्टिकल है वो सर आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात क्या, ये जो वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ उन स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, जो मोबाइल फ़ोन के लाइन में आज तक उन्होंने कभी आयरन नहीं पकड़ा, कभी काम ही नहीं किया, रिपेयरिंग का कोई भी काम नहीं किया, तो उनको रिपेयरिंग का काम करने के लिए ये थोड़ा सा जनरली आना चाहिए। क्योंकि आपका बहुत सारा चीज़ का नॉलेज है, बहुत सारा चीज़ का जानकारी है, लेकिन अगर आपको कुछ काम नहीं करना आता ना, तो फिर तो वही बात है ना कि आप बैठे हो कि मतलब वीडियो देख रहे हैं भैया कि सलमान खान बन जाएंगे, जिम करेंगे, बॉडी बनाएंगे, लेकिन बॉडी का वीडियो देख रहे हैं लेकिन उसमें कुछ असर कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ डोले सोले कैसे फूलेंगे। तभी फूलेंगे जब आप मेहनत करोगे, ये तो ही ना कि वीडियो देखते रहोगे कि 10 सेट देख लोगे, डंपल मार लोगे, तुम्हारी वीडियो से बन जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही दोस्तों, आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में काम करने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज तो बहुत है, जानकारी बहुत है, लेकिन सब प्रैक्टिकल के नाम पर बिल्कुल थर्ड क्लास हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। तो ये प्रैक्टिकल का मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और आप लोग ऐसे हैं जो अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो 1000-1500 रुपये खर्चा करिए, 700-500-1000 रुपये खर्चा करिए, कुछ टूल्स अपने ले लीजिए, जैसे आयरन है, चिमटी, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, ऐसे छोटा मोटा 10-10, 20-20, 50-50, 100-150 का आइटम आता है, जो थोड़ा सा आइटम आप लीजिए। आइटम लेने के बाद आप घर पे वीडियो को देखिए, वीडियो के माध्यम से आप रिपेयरिंग करिए, देखिए कि आपको एक एक करके सर आपको क्लास देने वाले हैं। कि आज जैसे जंपर के बारे में बताया कि आपको सर ने कंपोनेंट का जंपर बताया, कीपैड में जंपर लगाना बताया, डिस्प्ले में जंपर लगाना बताया, कंपोनेंट में जंपर लगाना बताया, यहाँ तक कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आईसी के जंपर लगाना बताया, आईएसपी पिन आउट के जंपर लगाना बताया। तो इस तरीके से सर ने आपको जंपर लगाने का तरीका आपको बताया हुआ है। वीडियो आपको कैसे लगा, क्या सारी चीज़ें समझ में आई, और कोई चीज़ की जानकारी चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सर मुझे मैसेज किया, रियलिटी मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों ने मैसेज किया कि सर मुझे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में आप वीडियो तो दे रहे हैं, बेसिक बेसिक कंपोनेंट सारा चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ,
लेकिन मुझे दिक्कत आती कि मैं प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में आपका कोई वीडियो नहीं है। तो मैंने कहा कि सर मैं कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, मैं प्रैक्टिकल के लिए ऐसा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब में दुनिया जान में कहीं नहीं है। सिखाने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये सर आपको एक एक करके सब चीज़ों का पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे, उसके बाद चालू मोबाइल फ़ोन उसको कैसे यूज किया जाता है उसका भी तरीका बताएंगे, ताकि आप सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकें और आपको अच्छे से जानकारी हो सके। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, अच्छे से पूरा सीखना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग उसके बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको सिखाया जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग आपको कराया जाता है। ए से लेकर जेड तक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है। इसलिए ट्रेनिंग के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर जो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरे पास जैसे उड़ीसा से फ़ोन आया था, उन लोगों ने भैया से मेरे से बात हुई, बहुत अच्छा उन्होंने कोर्स के बारे में समझाया, वीडियो कॉल करके पूरे सेंटर को देखा, व्यू देखा, फीस के बारे में जाना कि यहाँ पर सीखने में टोटल 15-20 हज़ार रुपये खर्चा आता है, उसमें पूरा बच्चे कंप्लीट कोर्स सीख करके चले जाते हैं, जिसमें आपको पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा प्रोग्रामिंग है, एजेंसी प्रोग्रामिंग है, ए से लेकर जेड तक सारी रिपेयरिंग टोटल उसमें इंक्लूड है, सब चीज़ के बारे में बच्चे सीख करके जाते हैं। तो उन्होंने आज अपना हैंड टू हैंड उन्होंने अपना 5,000 रुपये डिपॉजिट कराया और उन्होंने ऑनलाइन अपना एडमिशन कराया, उन्होंने आधार कार्ड फोटो भेजा। तो कोई ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और इन्फॉर्मेशन लें, जानकारी लें, वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉल करके, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्लास देखें, कैसे क्लास हो रही है, किस तरीके से सब सिखा रहे हैं, क्या क्या वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल रहा है, वीडियो से देखें, हॉस्टल के बारे में सारा चीज़ समझे। आपको हॉस्टल यहाँ पर फ्री है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ वही फीस है और पूरा कंप्लीट सीख करके जाएंगे। सीखने के दौरान जितना भी सारा सामान है, रॉ मटेरियल है, प्रैक्टिकल के लिए मोबाइल फ़ोन है, बोर्ड है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में यहीं से सिखाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को वॉच करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू दोस्तों।